ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंची एक रेप पीड़िता और उसकी मां ने अपने साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया। पीड़िता की मां का आरोप है कि दुष्कर्म पीड़िताओं को शासन से मिलने वाली मदद के लिए वह पिछले 6 से 7 महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उससे मिल रही तारीख सिर्फ तारीख, यही नहीं राहत राशि का चेक देने के लिए बाबू रिश्वत मांगता है। पीड़िता और उसकी मां को उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में फरियाद करेंगे तो शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए, लेकिन पीड़िता के मुताबिक उनकी फरियाद तो नहीं सुनी गई, बल्कि उसकी मां को पुलिस अपराधी बल प्रयोग और शासकीय कार्य में बाधा के जुर्म में जेल भेज दिया गया। कौन कौन कलेक्ट्रेट में जो पुलिस वाले जो अंदर जाने देते वो हमको अंदर ही नहीं जाने देते। 7-8 महीने आते आ गए। सी ओ मैडम से बोलो तो सी ओ मैडम बोलती है कि मैंने पैसा पहुँचा दिया है, और बाबू बोलता है कि 10,000 रुपये दे दो मेरे को तो मैं आपका पैसा निकलवा दूँगी। तो आज मैंने मांग ली तो वहाँ पर जाकर बात हम लोग बताने लगे तो वो पुलिस वाला बोलते वो कलेक्ट्रेट साहब बोलते हैं कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, बोलते उस औरत को यहाँ से लेकर जाओ और अंदर मांग बताए। धारा 186 353 को लगाकर न्यायालय भेजा गया। छिंदवाड़ा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए मनोज चंद्रवंशी के साथ संजय एके की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब।